गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चे, लेसन नंबर 3 पार्टनरशिप में साझेदारी का पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अभी तक पुनर्गठन क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है समझ चुके हैं। साझेदार पार्टनर अपने पुराने समझौते को, पुराने एग्रीमेंट को रद्द करके, ड्रॉप करके, कैंसल करके उसकी जगह पर एक नया समझौता, एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं। इससे किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान, यह कहलाता है पुनर्गठन रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था दो वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की थी कि जब साझेदार पार्टनर अनुपात बदलते हैं, रेशियो बदलते हैं, तो उसका उनके हिस्सों पर, पार्ट्स पर क्या असर होता है। एक को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है, एक को त्याग करना पड़ता है, एक को प्राप्ति करनी पड़ती है, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और एक को गेन। हमने शुरू के 4 एग्जांपल्स कवर किए हैं, शुरू के 6 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये 10 क्वेश्चंस में, शुरू के 10 क्वेश्चंस, 1 से लेके 4 तक के एग्जांपल और 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन में आपको यही सिखाया गया है और यही करना है, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो, त्याग और प्राप्ति का अनुपात। मैंने बताया था कि ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो इसका अगला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल, यानी ख्याति। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इस टॉपिक का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। चलिए मैं आपके सामने कुछ लोगों के नाम लेता हूं। ठीक है, क्या आप इन्हें जानते हो? सपोज मैं आपके सामने एक नाम ले लेता हूं, ठीक है, रामलाल वर्मा, मोहनलाल यादव, क्या इन्हें आप जानते हो? इस नाम के बंदे, इस नाम के पर्सन है, लेकिन हम इन्हें नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनकी गुडविल नहीं, इनकी ख्याति नहीं। मैं अभी व्यापार, बिजनेस के अकॉर्डिंग ही सिखा रहा हूं, एक नॉर्मल सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं गुडविल क्या होती है। मैंने आपके सामने दो नाम रखे, जैसे मान लीजिए आप सारे बच्चे बैठे हो, मैं अचानक से आपके पास आ गया, मैंने बोला क्या आप रामलाल वर्मा को जानते हैं? शायद नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सारे बच्चों के हाथ नीचे रहेंगे, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। मैंने बोला कि आप मोहनलाल यादव को जानते हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, और फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन, क्या आप विराट कोहली को जानते हो? सारे बच्चों के हाथ खड़े हो जाएंगे। यस, क्योंकि विराट कोहली की अपनी एक गुडविल है। मैंने पूछा सलमान खान को जानते हो? सारे बच्चे खड़े, सर सर हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक गुडविल है, उसकी एक ख्याति है। यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का उज्जवल भविष्य, ब्राइट फ्यूचर, और उसके द्वारा किए गए काम से उसे जो पहचान मिलती है, जो प्रसिद्धि मिलती है, जिस वजह से वो फेमस होता है, वो उसकी गुडविल होती है, वो उसकी ख्याति होती है। आज अमिताभ बच्चन महानायक भारत के, बल्कि विश्व के, उन्हें हमारे भारत का बच्चा बच्चा जानता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनका नाम भी हर कोई जानता है, क्योंकि उनकी एक गुडविल है, उनकी एक रेपुटेशन है। राहुल गांधी, उनकी भी एक गुडविल है, उनकी भी एक रेपुटेशन है, उन्हें भी हर कोई जानता है। हर किसी की एक एक गुडविल होती है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सुना नहीं, क्योंकि उनकी गुडविल नहीं है। यानी किसी व्यक्ति का उज्जवल भविष्य, ब्राइट फ्यूचर, या उसे अपने पूर्वजों द्वारा मिली हुई पहचान, या उसके द्वारा किए गए काम, या उसका चरित्र, कैरेक्टर, ईमानदारी, परिश्रम, मेहनत, ठीक है, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी गुडविल होती है, जिसकी वजह से वो फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है और हर कोई उसे जानता है, पहचानता है, उसे गुडविल कहते हैं। लेकिन हम बिजनेस, व्यापार जगत में गुडविल के बारे में किसी और थिंकिंग से पढ़ते हैं, यानी यहाँ गुडविल के बारे में अलग से सोच आपको रखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या बिजनेस, व्यापार, मार्केट में, बाजार में दुकानें एक दो ही होती है? नहीं, बहुत सारी होती है।
लाइन से चले जाए आप तो आपको हर टाइप की दुकानें मिलेगी, ठीक है। सपोज आप मार्केट में चले गए, कपड़ा मार्केट में कपड़े की 8 दुकानें हैं, इधर बर्तन की 8 दुकानें हैं, सामने किराना की 10 दुकानें हैं। हर व्यापारी हर बिजनेस में बिजनेस लेके व्यापार लेके बैठा हुआ है, सबकी दुकानों में सबके बिजनेस में सबके शॉप्स में अच्छी क्वालिटी का माल रखा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन क्या इन सबकी गुडविल अच्छी है? इनमें से कुछ लोगों की गुडविल होती है, कुछ लोगों की नहीं होती, कुछ की ज्यादा होती है कुछ की कम होती है। ऐसा क्यों होता है? आप मार्केट में जाते हो और एक ही दुकान में भीड़ करते हो कि पड़ोस में भी उसी चीज की दुकान लगी हुई है, आप वहां क्यों नहीं जाते? उसी गुडविल नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में व्यापार के अंतर्गत बिजनेस के अकॉर्डिंग गुडविल के बारे में, ख्याति के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहते हैं और इंग्लिश में इसे गुडविल कहते हैं। अब दोनों मीडियम वाले बच्चे इसे समझने की कोशिश करें। एक लेक्चर है, मैं आपको कोई ऐसा थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, एक छोटा सा लेक्चर समझा रहा हूँ, इससे आपको शायद इस चैप्टर की थ्योरी समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस के अकॉर्डिंग व्यापार के अंतर्गत ख्याति का अर्थ गुडविल का मीनिंग में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ख्याति का अर्थ गुडविल का मीनिंग, किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है, कैपिटल सब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि उनका बिजनेस स्टार्ट हो और इन फ्यूचर आने वाले एक साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद उनके बिजनेस को लाभ हो जाए, प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट तो सभी को होता है। यस, प्रॉफिट सभी को होता है, लाभ सभी को होता है, किसी किसी को नुकसान भी होता है, ठीक है। लाभ सभी को होता है, प्रॉफिट सभी को होता है, लेकिन जो व्यापारी जो बिजनेसमैन सामान्य दर से नॉर्मल रेट से ज्यादा लाभ कमा दे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उसको मिलेगी गुडविल, उसका व्यापार होगा प्रसिद्ध, उसका बिजनेस हो जाएगा फेमस, और वो प्रसिद्धि वो फेमसनेस वो कहलाएगा उसकी ख्याति, वो कहलाएगी उसकी गुडविल, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर नॉर्मल रेट क्या होती है? जितने भी व्यापारी, जैसे मान लीजिए कपड़ा मार्केट है, कपड़े की दुकानें हैं, ठीक है, उन सब की एक थिंकिंग है कि हमें इस साल जितनी कैपिटल लगाई, जितनी पूंजी लगाई, उसका 10% प्रॉफिट होना चाहिए या 20% प्रॉफिट होना चाहिए। सब लोगों ने ये सोच लिया कि लगाई गई कैपिटल पर, लगाई गई कैपिटल पर, जैसे मान लो किसी ने 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाई, 1,00,000 रुपए कैपिटल लगाई, ठीक है, तो उसकी ये सोच है कि कम से कम 20% फायदा होगा, यानी 20,000 रुपए का हमें फायदा होगा। ये सामान्य दर है, नॉर्मल रेट। सभी व्यापारी सभी बिजनेसमैन यही सोच के चल रहे कि इस साल हमें हमारे द्वारा लगाई गई कैपिटल पर 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट होगा, सबकी ये थिंकिंग है, और लगभग लगभग सभी को उतना प्रॉफिट हुआ भी। लेकिन मार्केट में एक ऐसी दुकान है, एक ऐसी शॉप है जिसे 50-50% का प्रॉफिट होगा, लगाई गई पूंजी पर सामान्य दर से अधिक लाभ हुआ, इन्वेस्टेड कैपिटल पर नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट उसको मिल गया, सबको 20-20% प्रॉफिट हुआ और उसको 50% प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे बिजनेस को मिलेगी गुडविल, ऐसे बिजनेस को मिलेगी ख्याति, वो फेमस हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, और इन फ्यूचर भविष्य में उसका बिजनेस और तरक्की करेगा और बाकी दुकानों को छोड़कर, बाकी शॉप को छोड़कर वो बहुत आगे चला जाएगा। आप देखते होंगे मार्केट में आपको ऐसा ये फैक्टर, ये तत्व देखने को मिलता है। अगर कोई दुकान प्रसिद्ध होती है, फेमस होती है, तो बढ़ती ही चली जाती है और बाकी की दुकानों को, बाकी की शॉप को वो एक लूप लाइन में डाल देती है, इग्नोर कर देती है, छोड़ देती है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करते, भले वहां भी वही गुड्स हो, वही माल हो जो यहाँ पर है, ठीक है। मीन्स व्यापार जगत में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिस व्यापारी ने, जिस बिजनेसमैन ने कैपिटल पर सामान्य दर से, नॉर्मल रेट से ज्यादा लाभ कमा लिया, ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, वहां उसे गुडविल मिल जाएगी, ख्याति मिल जाएगी, ठीक है। और ये गुडविल उसके बिजनेस को सपोर्ट करेगी, ये ख्याति उसके व्यापार को फायदा दिलाएगी, उसका बिक्री बढ़ जाएगी, उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, और इन फ्यूचर भविष्य में उसको लगातार कंटिन्यू लाभ होता रहेगा, यानी इससे उसका सेल्स भी बढ़ जाएगा, बिक्री भी बढ़ जाएगी, रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। गुडविल का सही मतलब है प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, रेपुटेशन, जिससे बिक्री बढ़ती है, सेल्स बढ़ता है, ओके। अब बात करें कि गुडविल क्यों होती है, उसका कारण क्या है,
हो सकता है वो व्यापारी मार्केट में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, सब लोग उसे मानते हो, या हो सकता है किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो उस एरिया में, या हो सकता है उसका चरित्र अच्छा हो, ईमानदार हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, परिश्रम करता हो, मेहनत करता हो, लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, लोगों के साथ उसका नेचर अच्छा हो, मिलजुल के रहता हो। बहुत सारे तत्व, बहुत सारे फैक्टर आपको गुडविल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ओके, बताता हूँ क्या है। हाँ, तो हम लोग गुडविल का मीनिंग, गुडविल का अर्थ समझ चुके हैं, ठीक है। कई लोगों ने उसकी परिभाषा दी, उसकी डेफिनेशन दी। कई लोगों का मानना है गुडविल एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कस्टमर, ग्राहक आपके व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोगों का मानना है गुडविल एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा तत्व है जिससे आपके लाभ कमाने की क्षमता, प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कुछ लोगों का मानना है गुडविल एक ऐसा तत्व, ऐसा फैक्टर है जिससे आपके पुराने ग्राहक, पुराने कस्टमर आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। अलग अलग लोगों ने उसकी अलग अलग परिभाषा, अलग अलग डेफिनेशन दी है, आप उसे अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ख्याति की विशेषताएं आती है गुडविल के कैरेक्टर्स। अब गुडविल की कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, ये हमारे व्यापार की संपत्ति होती है, ये हमारे बिजनेस की असेट्स होती है। कौन से बिजनेस की? हमारे व्यापार में कई प्रकार की संपत्तियां, कई प्रकार की असेट्स होती है। जैसे ये बिल्डिंग मेरी असेट्स है, अगर मैं व्यापारी हूं, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, तो ये ख्याति, ये बिल्डिंग, ये भवन, ये फर्नीचर, ये फैन, ये पंखा, ये कलर टीवी, ये कूलर, ये फ्रिज, ये सब मेरी संपत्ति है, ये सब मेरी असेट्स है। लेकिन इन असेट्स का तब तक कोई महत्व नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, जब तक मेरी रेपुटेशन, मेरी गुडविल अच्छी ना हो। भले मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है, लेकिन जब तक मेरे पास ख्याति नहीं है, जब तक मेरे पास गुडविल नहीं है, तब तक मेरी ये सारी संपत्तियां, सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा मेरे किसी काम नहीं आएगा। यानी व्यापार जगत में गुडविल का होना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल का होना, ख्याति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका आप ध्यान रखें। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहली विशेषता, फर्स्ट इसकी कैरेक्टर है कि ये आपके व्यापार की संपत्ति है, ये आपके बिजनेस की असेट्स है। दूसरी विशेषता, दूसरी स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये अदृश्य होती है, इंटेंजिबल, मतलब इसे कोई देख नहीं सकता और ना ही छू सकता है। जितने, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, ठीक है, ये मेरी ख्याति है, ये मेरी गुडविल है, क्या आप इसे देख सकते हो? नहीं। ये एक ऐसा तत्व है, ऐसा फैक्टर जो दिखाई नहीं देगा। जैसे मेरे बिजनेस में मशीन रखी हुई है, वो आपको दिखाई देगी, और मेरी गुडविल भी है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी। ख्याति अदृश्य संपत्ति होती है, गुडविल इज इंटेंजिबल असेट, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, पर ये हमारी असेट होती है। तीसरी विशेषता, थर्ड स्पेशलिटी, ये कई तत्वों से मिलकर बनी होती है, इंक्लूडिंग ऑल फैक्टर इन गुडविल। गुडविल में बहुत सारे तत्व, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी, ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का कैरेक्टर, आप लोगों का चरित्र, आप लोगों का स्वभाव, आप लोगों का नेचर, ठीक है, आपकी डीलिंग करने की जो तरीके है, लोगों से बातचीत करने का तरीका है वो, उसके अलावा आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पर्सनल रेपुटेशन, कई प्रकार से मिलकर ये तत्वों से गुडविल बनती है, ठीक है। ये बेची भी जा सकती है, सेल्स भी की जा सकती है, ख्याति को, गुडविल को हम बेच सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते? एक एक्टर या एक क्रिकेटर किसी प्रोडक्ट का जब एडवर्टाइजमेंट करता है, जैसे मान लीजिए विराट कोहली ने किसी च्यवनप्राश का विज्ञापन किया, एडवर्टाइजमेंट किया, इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट के साथ, उस च्यवनप्राश के साथ, उस कंपनी के साथ विराट कोहली का नाम जुड़ गया। यानी विराट कोहली ने अपनी जो गुडविल है वो उस कंपनी को बेच दी, उसके बदले उससे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ले लिए। गुडविल को बेचा जा सकता है, ख्याति को बेचा जा सकता है। उसके अलावा गुडविल से, ख्याति से आपके बिजनेस को आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इसकी कीमत कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा ये अदृश्य संपत्ति होती है, इंटेंजिबल असेट होती है,
ठीक है। इसके अलावा ये हमारी कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है, कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। यानी आपने बिजनेस में कुछ पूंजी लगाई है, जो कैपिटल लगाई है, उसी का एक अभिन्न अंग, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यानी पूंजी के तरह गुडविल भी पूंजी में ही शामिल होता है, कैपिटल में ही इंक्लूड होता है। मतलब गुडविल पूंजी का ही एक अंग है, कैपिटल का ही एक हिस्सा है। आप कितनी भी कैपिटल लगाए, बिना गुडविल के, बिना ख्याति के, वो हमेशा आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। जब तक आपके बिजनेस में ख्याति नहीं आएगी, गुडविल नहीं आएगी, आपको बिजनेस में अच्छा फायदा, अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, ये गुडविल की विशेषता है, कैरेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे पूछते हैं, सर इसके उत्पत्ति के क्या कारण है, कॉजेस ऑफ ओरिजिन। मतलब सर ये गुडविल आती कैसे है? अगर मार्केट में ये वाली दुकान इतनी फेमस है तो क्यों है, क्या कारण है? हमारे पास भी वही दुकान है, हमारे पास भी वही माल है, हमारी बिल्डिंग भी उतनी बड़ी है, हमारे यहाँ भी उतने लोग काम करते हैं, फिर उसका बिजनेस इतना फेमस क्यों हो रहा है? ये आपका अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के कारण, कॉजेस ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहला कारण, व्यापार का स्थान, प्लेस ऑफ योर बिजनेस। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। दो भाई, दो ब्रदर्स, दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाकर, 5-5 लाख रुपए लगाकर एक कपड़े की दुकान खोली, एक क्लॉथ शॉप खोला, ठीक है। एक भाई ने, एक ब्रदर ने वो कपड़े की दुकान मेन मार्केट में बीच प्लेस पर खोली, जो मेन सेंटर है, जहां उस शहर के सभी लोग आ सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, महिलाएं, पुरुष, जेंट्स, लेडीज सब आ सकते हैं, बुजुर्ग लोग आ सकते हैं, वहां आने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब तरफ से सेफ्टी होती, सुरक्षा होती है, और कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और दूसरे भाई की जो दुकान है वो शहर के बाहर है, जंगल के रास्ते में, नदी के पास, ठीक है, या जहां पर लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते, और पहुंचते भी है तो उन्हें कुछ चीजों से खतरा होता है, या उन्हें कुछ चीजों के बारे में डर होता है कि यहां जाने से ये होगा। तो इन दोनों में से किसे गुडविल मिलेगी, किसे ख्याति मिलेगी? पहले वाले को। यानी आपके व्यापार का जो स्थान है, बिजनेस का जो प्लेस है, वो आपके व्यापार को ख्याति दिलाएगा, वो आपके बिजनेस को गुडविल दिलाएगा। यानी आपका व्यापार, आपका बिजनेस किसी ऐसी जगह पर है जहां किसी को आने में कोई भी असुविधा, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो बिजनेस ख्याति प्राप्त करेगा, उस बिजनेस को गुडविल मिलेगा। नंबर दो, बेस्ट क्वालिटी का माल और रीजनेबल प्राइस, अच्छा माल अच्छी कीमत पर। यदि आपके बिजनेस में अच्छी क्वालिटी का माल आप यूज करते हो और रीजनेबल प्राइस, कम कीमत पर, अच्छी कीमत पर लोगों को प्रोवाइड करते हो, देते हो, तो उस बिजनेस को ख्याति मिलेगी, गुडविल मिलेगी, नो डाउट मिलेगी, मतलब मिलेगी। और जो व्यापारी घटिया किस्म का माल बेचता है, ज्यादा कीमत पर बेचता है, उसको गुडविल नहीं मिलेगी, ख्याति नहीं मिलेगी, ये भी उसका कारण है। तीसरा, व्यापारी का व्यवहार, बिजनेसमैन का नेचर। अगर व्यापारी का व्यवहार, बिजनेसमैन का नेचर लोगों के प्रति, कस्टमर के लिए अच्छा है, तो उसको ख्याति मिलेगी, उसको गुडविल मिलेगी। मतलब वो कस्टमर से अच्छे से बात करता है, सभी के हितों का ध्यान रखता है, सभी के साथ न्यायपूर्ण, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, ठीक है, तो उसको गुडविल मिलेगी, उसको ख्याति मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई कारण है। हाँ, ये देखिए, व्यापारी, व्यापार के प्रति ग्राहकों का आकर्षण, अट्रैक्शन, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा फैक्टर है जो आपके बिजनेस को गुडविल दिलाता है। जैसे मार्केट में एक दुकान है, एक शॉप है, जिसने अपनी दुकान को बहुत सजा के रखा हुआ है, सब तरफ लाइटिंग लगाई हुई है, बकायदा सामने उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें सारे कांच लगे हुए हैं। सपोज एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, वाटर कूलर लगा हुआ है, अंदर एसी लगा हुआ है, सब अच्छी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, सब कुछ है। तो उस दुकान के प्रति, उस शॉप के लिए लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, लोग भले कुछ ना खरीदे लेकिन देखने के लिए वहां जाएंगे जरूर कि इतनी अच्छी दुकान दिख रही है, वास्तव में यहाँ हमें जाना चाहिए, कुछ जाना चाहिए, खरीदना चाहिए, अच्छे से कलर किया गया है, लोगों के लिए फैसिलिटीज है, लोगों के आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रकार की सुविधा, अंदर टीवी लगा हुआ है, पंखा है, कूलर है, एसी है,
सब चीजों की व्यवस्था है, तो उस दुकान को ख्याति मिलेगी, गुडविल मिलेगी, ठीक है। कुछ इनामी कूपन, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा किया उसका, ऐसे बिजनेस को ख्याति मिलती है, गुडविल मिलती है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी, व्यापार में काम करने वाले एम्प्लॉइज अगर अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा नेचर रखते हैं, बिजनेस को अपना ही मानकर, मालिक के एब्सेंट में जो दुकान का मालिक है उसके अनुपस्थिति में लोगों से अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, उसे भी गुडविल मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे हैं, अगर आपके बिजनेस में सेल्स की अच्छी व्यवस्था है, डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छी व्यवस्था है, माल बेचने के लिए आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था करके रखी है, पैसा ना होने पर आप उधारी में भी माल बेच देते हो और लोगों के साथ अच्छा नेचर करते हो, वितरण की अच्छी व्यवस्था है, डिस्ट्रीब्यूशन की आप लोगों ने अच्छी फैसिलिटी दी है, माल घर तक पहुंचाते, होम डिलीवरी करते हैं, तो वहां गुडविल मिलेगी, ख्याति मिलेगी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई रीजन हो सकते हैं, अगर आपके बिजनेस के मालिक की रेपुटेशन अच्छी हो, मार्केट में व्यवस्था अच्छी हो, प्रसिद्धि हो, ख्याति मिलेगी, गुडविल मिलेगी, ठीक है। अब बात करें, ये सब आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो, ये बुक में सब डिटेल में दिया हुआ है, मैं सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए दे रहा हूँ किस टाइप से करना है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, ख्याति के प्रकार, गुडविल के टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ख्याति, गुडविल तीन प्रकार की, थ्री टाइप्स की होती है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, डॉग गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कैट गुडविल, और चूहे के स्वभाव की ख्याति, रेड गुडविल। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुत्ता, डॉग, एक ऐसा प्राणी होता है, एक ऐसा एनिमल होता है जो अपने मालिक के साथ लगा रहता है, वो हमेशा अपने मालिक के पीछे पीछे जाता है, जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां कुत्ता उसके पीछे जाएगा, मतलब उसे अपने मालिक से प्यार होता है, मालिक जहां जाता है वो उसके पीछे जाता है, कुत्ते का ये स्वभाव होता है, डॉग का ये नेचर होता है। इसी प्रकार ये वाली ख्याति, ये वाले गुडविल भी व्यापारी के साथ, व्यापार के मालिक के साथ, बिजनेस के ऑनर के साथ लगी होती है। सपोज एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, फेमस है, उसकी एक दुकान, उसकी एक शॉप मेन मार्केट में है, ठीक है, लोग वहां जाना पसंद करते हैं उसकी वजह से, व्यापारी की वजह से, क्योंकि उसका नाम चल रहा है, ठीक है। अब अचानक उसे वहां से अपनी दुकान हटानी पड़ी और दूसरे मार्केट में शिफ्ट करनी पड़ी, तो उसकी गुडविल उसके साथ वहां चली जाएगी, लोग अब जितनी भीड़ यहां करते थे वहां भी उतनी ही भीड़ करेंगे, क्योंकि यहां दुकान से मतलब नहीं है, यहां व्यापारी से मतलब है, व्यापार से मतलब है, यानी ये ख्याति, ये गुडविल व्यापारी के साथ जाती है, बिजनेसमैन के साथ जाती है, व्यापार के मालिक के साथ जाती है, जैसे कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे जाता है, ये ख्याति, ये गुडविल भी मालिक के पीछे पीछे जाती है, इसीलिए इसके कुत्ता ख्याति, कुत्ते के आकार की ख्याति, या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, या डॉग टाइप गुडविल कहा जाता है, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें, जैसे एक मान लीजिए छोटा सा व्यापारी, छोटा सा बिजनेसमैन, मिस्टर राम करके, उसकी व्यापार में बहुत प्रसिद्धि है, बहुत ख्याति है, वो बहुत फेमस है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसका मान सम्मान करते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, उसने कपड़े की दुकान डाली, प्रसिद्ध हो गई, फेमस हो गई, उसने एक दुकान और डाल दी जो इस बार किराना शॉप है, अब वो भी उतनी ही प्रसिद्ध होगी, उतनी ही फेमस होगी, क्योंकि यहाँ लोग दुकान देखकर नहीं जा रहे भैया, यहाँ उस व्यक्ति को देखकर जा रहे, व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ जो गुडविल, जो ख्याति उसके पीछे पीछे जाती है, उसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, डॉग टाइप गुडविल कहते हैं, ठीक है। अब बात करें बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कैट टाइप गुडविल, तो अब इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले बिल्ली एक ऐसा प्राणी है, कैट एक ऐसा एनिमल है जो मालिक से प्यार नहीं करता, अपने पालने वाले से कभी प्यार नहीं करता। बहुत से लोग बोलेंगे भैया हमने बिल्ली पाली है, मेरी लाडली है, मेरे पास रहती है, ये गलत है, बिल्ली मालिक से कभी प्यार नहीं करती, बिल्ली का जो स्वभाव होता है, कैट का जो नेचर होता है, वो जगह से कनेक्टेड होता है, स्थान से संबंधित होता है, इसे स्थानीय ख्याति, लोकल गुडविल भी कह सकते। बिल्ली, कैट मालिक से कभी लगाव नहीं करती। आप देखो आपके घर में एक बिल्ली है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर आप हाथ फेंकते हो तो आराम से नीचे बैठ जाती है, क्योंकि वो आप से नहीं, उस जगह से लगाव करती है, उसको जगह से प्यार होता है।
कोई और बाहर का आदमी आकर उस पर हाथ फेरेगा तो वो वही बैठेगी। कुत्ता ऐसा करता है क्या? नहीं, कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है, दूसरों पर तो भौंकता है। बिल्ली ऐसा कभी नहीं करती, बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता घर में कौन आया कौन नहीं आया, कौन नया है कौन पुराना है, उसे उस घर से उस जगह से उस प्लेस से लगा होता है। तो ये ख्याति ये गुडविल भी उसी प्रकार की होती है, यहाँ मालिक से कनेक्टेड नहीं होती, बिजनेस के मालिक से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, जगह से कनेक्शन होता है। जैसे मार्केट में मेन चौराहे पर एक दुकान है, वहां किसी ने चाय की होटल डाली तो चलेगी, कुछ दिनों बाद चाय की होटल हट गई, कोल्ड ड्रिंक की दुकान आ गई तो भी चलेगी, कुछ दिनों बाद वहां पर एक ज्वेलरी शॉप आ गया तो भी चलेगी, कुछ दिनों बाद ज्वेलरी शॉप वाले ने भी छोड़ दिया, वहां एक मान लीजिए फ्रूट सेलर एक फल बेचने वाले की दुकान आ गई तो भी चलेगी, क्योंकि लोगों को मालिक से कोई मतलब नहीं है, लोगों को उस जगह से प्यार है, जगह से लगाव है, लोग जगह को देखकर वहां जा रहे हैं, इसलिए इसे बिल्ली की ख्याति कैट टाइप गुडविल कहा जाता है। डिटेल में आपको बुक में मिल जाएगा, मैं शॉर्टकट समझा रहा हूं, ठीक है। फिर चूहे की ख्याति रैट टाइप गुडविल, चूहा रैट हमेशा भोजन की तलाश में खाने के लिए फूड के लिए यहां से वहां भटकता है, जहां उसे खाना मिल जाता है वो वही रह जाता है, और खाना खत्म हो जाता है वहां से चला जाता है। ये ख्याति ये गुडविल भी उसी प्रकार की है, ये वस्तुओं पर आधारित होती है, थिंग्स पर डिपेंड होती है। जैसे मार्केट में कीपैड फोन जब चल रहे थे तो सभी लोग कीपैड फोन खरीद रहे थे, कीपैड फोन का जो एक दौर आया था वो बहुत फेमस था, हर किसी के पास कीपैड फोन थे, तो ये गुडविल कीपैड फोन के पास थी, फिर अचानक से स्क्रीन टच फोन आ गए तो वो ख्याति वो गुडविल उसके पास चली गई, फिर एंड्रॉइड आ गए तो वो ख्याति वो गुडविल एंड्रॉइड के पास चली गई। इस प्रकार से चूहा भोजन के लिए फूड के लिए भटकता रहता है, ये ख्याति ये गुडविल भी वस्तुओं पर आधारित होती है, जो वस्तु जो प्रोडक्ट फेमस होता है उसके पास चली जाती है, ठीक है। आप देखते होंगे मार्केट में एक चीज ज्यादा देर तक फेमस नहीं रहती, ठीक है, उसकी जगह पर एक नई चीज आने के बाद वो कम उसकी वैल्यू कम हो जाती है और नई चीज को लोग ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब चूहा भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है, उसी प्रकार ये ख्याति भी उन वस्तुओं के पास चली जाती है जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कम प्रसिद्ध होने पर कम फेमस होने पर ये गुडविल उसको छोड़कर उसके पास चली जाती है जो अभी अभी फेमस है अभी प्रसिद्ध है। इस टाइप से आपको गुडविल के बारे में एक लेक्चर मैंने दिया है, सपोज ये आपको मैंने सिर्फ लेक्चर दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे समझ सकते हो आसानी से। फिर हम अब आप बोलेंगे सर गुडविल की कीमत होती है, यस गुडविल की कीमत होती है, लाखों में करोड़ों में गुडविल की कीमत होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में गुडविल निकालना सीखेंगे, गुडविल कैसे निकाली जाती है, ओके।